So hey guys, what's up? Welcome back to the channel Infinity Riders and here we're back with another crazy video. बहुत लोग हमको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, चाहे हम जितना भी वीडियोस बना ले, हाउ टू व्हीली आज सिखाने वाले, उसके साथ साथ हम ये भी सिखाने वाले कि आप सर्कल में व्हीली कैसे कर सकते हैं. सो माय नेम इज शेख वाजदली एंड अगर आप लोग न्यू है चैनल में तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतना अच्छा बिल्ली यहाँ पे सोया हुआ है. ये वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं व्हीली कैसा मारना है. बहुत लोग हमको पूछते हैं बिल्ली कैसा मारना है. बिल्ली नहीं मारने का है, एक करेक्ट स्पेलिंग होता है व्हीली, बिल्ली नहीं. नो एनिमल वायलेंस. सो व्हीली करने से पहले आपको एक चीज अच्छे से समझना है कि व्हीली कोई हैंड फोर्स का कमाल नहीं है. व्हीली अगर आपको करना है तो आपको टेक्निक से करना पड़ेगा. टेक्निक से करने से पहले आपको एक चीज ध्यान पर रखना है कि आपका बाइक पे जो टेक्निकल सेटिंग्स है उसको पहले अच्छे से आप सेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अच्छा एक व्हीली कर पाएंगे. सो ये जो टेक्निकल चीजें आपको हम बताने वाले हैं वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड ये वीडियो अच्छे से सेव कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो खो ना दे. एंड उसके साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी व्हीली सीख सके, उसके साथ साथ सर्कल व्हीली भी सीख सके. सबसे पहला टेक्निकल चीज आपको समझना पड़ेगा एंड अपना साइकिल में करना पड़ेगा वो की है आपका सीट ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सीट ऊंचा कीजिएगा आप उतना अच्छा प्रेशर पीछे देके आप व्हीली उठा पाएंगे. एंड पीछे वेट देना ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप व्हीली सही से कैरी कर सके. आपका सीट सामने की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए एंड उसके साथ साथ सीधा भी नहीं होना चाहिए. इससे क्या होगा कि जितना भी आप सीधा रखेंगे या फिर ऐसा रखेंगे आप फिसल जाएंगे पीछे. तो वही चीज अवॉइड करने के लिए आपको सीट एकदम सामने की तरफ झुका के रखना पड़ेगा. अगर आप देखेंगे कि आप सामने झुका के भी सीट से स्लिप कर जा रहे हैं, एक हैक आपको बता रहे हैं, क्रिकेट बैट का ग्रिप आता होगा वो आप सीट में लगा लीजिए, उसके बाद आप बैठ जाइए एंड उसके बाद आप व्हीली सीखिए, आप नहीं फिसलिएगा. आप कोई भी एक बाइक का सीट दुकान में जाके आप बोल सकते हैं वो लोग को कि एक अच्छे से कवर कर देने जिसका थोड़ा बहुत रबर का मटेरियल हो, वो कवर करने के बाद आप नहीं फिसलिएगा. सेकंड टेक्निकल चीज जो आपको समझना पड़ेगा वो है आपको गियर लो करना पड़ेगा. गियर लो करने का कारण यही है कि आप जितना लो गियर करेंगे आपको उतना पिकअप मिलेगा व्हीली को उठाने के लिए. गियर का लो मतलब ऊपर करना, हाई मतलब नीचे जाना गियर का. जो लोग के पास गियर नहीं है आप लोग रिक्शा फ्रीव्हील यूज कर सकते हैं. रिक्शा फ्रीव्हील जो आता है वो बड़ा होता है, वो आपको व्हीली पॉपअप करने में बहुत हेल्प करेगा. सो थर्ड टेक्निकल चीज जो आपको जानना पड़ेगा व्हीली करने से पहले जो कि है पेडल प्रेशर. आपको अपना व्हीली उठाना है पेडल प्रेशर के साथ, क्योंकि पेडल प्रेशर एक ऐसा चीज है जिसके बदौलत व्हीली किया जाता है. जो नेक्स्ट टेक्निकल चीज आपको समझना पड़ेगा वो है ब्रेक्स. व्हीली में पीछे का ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको ये चीज ध्यान पे रखना होगा कि आपका पीछे का ब्रेक अच्छा होना चाहिए, एकदम लूज भी नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए. अपना बाइक में टेक्निकल चीजें सेट कर लेने के बाद आपको भी सीखना है व्हीली कैसा करना पड़ेगा. व्हीली सीखने के बाद ही आप अच्छे से सर्कल व्हीली कर पाएंगे, क्योंकि बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अच्छे से लो गियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लो गियर नहीं करेंगे तब तक आपको पिकअप नहीं मिलेगा उठाने के लिए. पेडल प्रेशर 70% रहेगा, हैंड फोर्स 30% रहेगा. बहुत लोग होते हैं कि ऐसा हैंड फोर्स से उठाने की कोशिश करता है, बट एक्चुअल जो टेक्निक है वो गलत है. एक्चुअल टेक्निक ये है कि आपको पेडल प्रेशर से उठाना है. आपको पेडल प्रेशर अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकत से काम नहीं होगा. आप अगर दिमाग एंड टेक्निक यूज करेंगे तभी आपका व्हीली होने वाला है. ब्रेकिंग आप अगर सही से नहीं करेंगे देन एकदम व्हीली आप सही से नहीं कर पाएंगे. बहुत लोग होते हैं कि खड़ा खड़ा व्हीली मारता है विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग टेक्निक. आपको व्हीली ब्रेकिंग के साथ करना है ताकि उसमें आप बहुत सारा वेरिएशन ला सके बाद में. जब आप देखेंगे कि पेडल मारने से बहुत ज्यादा हाइट हो जा रहा है आपको ब्रेक उस वक्त यूज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक मार के पकड़ के ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आपको ब्रेक क्लिपिंग करना पड़ेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है. आप जब देखेंगे कि आपका सामने चक्का बहुत सामने आ जा रहा है, बहुत नीचे आ जा रहा है, उसी वक्त आपको पेडल भी मारना पड़ेगा. सेफ्टी टिप, व्हीली करने से पहले हेलमेट जरूर पहन लेना. अगर आप व्हीली में पीछे पलटा जाएंगे आपका सिर में बहुत जोर से लगने वाला है. ग्लव्स पहनिए एंड शूज पहन के ही सीखिए ताकि आपको कहीं पे भी चोट ना लगे. ये एक दो दिन का खेल नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड एवरी डे आपको टाइम देना पड़ेगा. आप जब देख रहे हैं कि आप दो तीन पेडल व्हीली मार के लेके जा रहे हैं आपका साइडवेज गिर जा रहा है. आप जब देखेंगे आपका व्हीली राइट साइड गिर रहा है आप लेफ्ट साइड अपना बॉडी को कीजिएगा. एंड आप जब देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट साइड व्हीली गिर रहा है आप राइट साइड बॉडी कीजिएगा. यू हैव टू फोर्स योर व्हीली टू गो फॉरवर्ड स्ट्रेट. पहले आपको सीधा व्हीली सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप व्हीली को टेढ़ा करके सर्कल व्हीली में घुसेंगे. आप जब सीधा व्हीली लेके जाने सीख गए होंगे अभी आपको व्हीली को टर्न करना है. आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप व्हीली टर्न करने का कोशिश करेंगे आपका व्हीली गिर जाता होगा. सो व्हीली को टर्न करने का एक अलग टेक्निक है. जैसे आप देख रहे स्ट्रेट लाइन है ये, व्हीली को हल्का ऐसा करना पड़ेगा एंड आपका बॉडी को इस साइड लाना पड़ेगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप अच्छे से वीडियो देखिए स्लो मोशन में ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए सर्कल व्हीली उतना भी डिफिकल्ट ट्रिक नहीं है, आपको व्हीली अच्छे से सीखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपको व्हीली 10 बार में एक बार होता होगा, 5 बार में एक बार होता होगा, आपको व्हीली 10 बार में 10 बार ही करना होगा तभी आप सर्कल व्हीली में घुस पाएंगे. एंड आपको पहले आपको बड़ा सर्कल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप छोटा सर्कल में घुसेंगे. आप अगर सोचेंगे कि आपको एक ही बार में सर्कल छोटा करना है
एकदम नहीं होने वाला है। आपको पहले बहुत बड़ा सर्कल लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आस्ते आस्ते उसको आपको छोटा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप सही से समझ पाएंगे कि आपको बॉडी कितना टिल्ट करना पड़ेगा एंड साइकिल कितना टिल्ट करना पड़ेगा। आपको ब्रेकिंग करके आपको सर्कल विली करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सर्कल विली सही से नहीं होने वाला है। पहले आपको सर्कल विली आपको सीखना पड़ेगा सीट ऊंचा करके, बट धीरे धीरे आप जब देखेंगे कि आपका सर्कल विली थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है, आप सीट को नीचे कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप सीट नीचे करेंगे सर्कल विली उतना छोटा और अच्छा होने वाला है। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, सर्कल विली करने से पहले आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा टायर यूज कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिस हुकपम यूज करते होंगे देन आपको सर्कल विली में बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मैक्सिस हुकपम का टायर पूरा गोल है, इट हेल्प्स यू टू लीन मोर बिकॉज उसमें ग्रिप बहुत अच्छा होता है। बट अगर आप कोई और टायर यूज करते होंगे उसमें आपको सर्कल विली करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, बट उसमें भी होगा क्योंकि हम सर्कल विली मैक्सिस हुकपम यूज करने से पहले हम सीखे थे। अभी मैक्सिस हुकपम सा नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग को वो चीज सर्कल विली मानने से रोक सकता है। आप फिर भी सर्कल विली सीखिए, आप हमको इंस्टाग्राम में जाकर टैग कर सकते हैं, हम सबका रिपोस्ट करते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फिनिटी राइडर्स विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स और वीडियोस। प्लीज जाके ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ एंड कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको कौन सा ट्रिक में चाहिए। सो बिहाइंड द कैमरा वी हैव अभिषेक गोसाल फॉर शूटिंग दिस वीडियो, जल्दी आके इसको भी फॉलो कर लो। यहां पे आता होगा, हम देंगे ही नहीं। He does some amazing work. मेरा जो photos, videos, जो भी जितना भी उठता है सब यही उठाता है, तो जाके इसको भी contact करो for shoots and all. So I'll see you again in the next video. Till then, take care of yourself. Peace and out.